तारीख लिखने वाले लिखते हैं कि एक जलील आवर पहाड़ के दामन में एक छोटा सा कस्बा हुआ करता था, जिसमें सरसब्ज बागात, बागीचे, गुलस्तान आबाद थे और कसाफत से पाक पानी के चश्मे फूट रहे थे। पानी इतना शफाफ कि उसमें पड़ा सिक्का भी नजर आ जाए और उन पानियों में तैरती मछलियों की नाकों में सुनहरी नथे हुआ करती थी। ये तारीख दान विलियम फिंच था और ये कस्बा मौजूदा शहर हसन अब्दाल था। ये दास्तान हकीकत कम और अफसाना ज़्यादा मालूम होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ मोहम्मद काशिफ जावेद और आज की इस वीडियो में हम आपको यही कुछ दिखाने और बताने जा रहे हैं। एक रवायत के मुताबिक गुरु नानक साहब, जो कि सिख मजहब के बानी भी माने जाते हैं, अपने रफीक भाई मर्दाना साहब के साथ 15वीं ईस्वी में शहर हसन अब्दाल में पहुंचे। उस वक्त ये शहर एक छोटा सा कस्बा हुआ करता था। यहाँ पहुंचते ही इनके रफीक को सख्त प्यास का सामना करना पड़ा। गुरु साहब ने इन्हें बताया कि इस कस्बे में मौजूदा पहाड़ की चोटी पर एक दरवेश की आरामगाह है और उसके पास से एक शफाफ पानी का चश्मा बहता है, तुम जाओ और वहाँ से अपनी प्यास की तलब को पूरा करो। पाई मर्दाना साहब उस पहाड़ की चोटी पर गए, पीर वली कंधारी साहब से पानी पीने की इजाज़त तलब की, लेकिन उन्होंने इजाज़त ना दी। पाई मर्दाना साहब वापस अपने पीर और मुर्शिद के पास आए और सारा माजरा बयान किया। गुरु नानक साहब ने इन्हें हुक्म दिया कि वो सामने पड़ा पत्थर उठाएं। जब उन्होंने पत्थर उठाया तो नीचे से एक पानी का चश्मा फूट पड़ा। पीर वली कंधारी साहब ने जब ये मंजर देखा तो जलाल में आकर पहाड़ से एक बड़े से पत्थर को जोर बाजू से चश्मे की जानब धकेल दिया। जब गुरु नानक साहब ने ऊपर से पत्थर को आते देखा तो उसके रास्ते में खड़े हो गए और अपने पंजे से इसे रोक दिया और फिर पीर वली कंधारी की तरफ मतवज्जो होते हुए बोले कि ये चरिंद परिंद फल फूल जल थल सब कुछ खुदा की मखलूक के लिए है, इसलिए इन तमाम चीज़ों को खुदा की मखलूक में ही तकसीम करने में हमारी बेहतरी है। कहते हैं वो पत्थर आज भी हसन अब्दाल के गुरुद्वारे में मौजूद है, जिसे बाबा गुरु नानक साहब ने अपने पंजे से रोका था। फिर इसी निस्बत से सिख इस शहर को पंजा साहब के नाम से भी पकारते हैं। बाद आज इस कस्बे का जिक्र आयन अकबरी में एक और हवाले से भी आया है कि हिंदुस्तान पर जब मुगलिया सल्तनत की बादशाहत थी तो जलालुद्दीन अकबर कश्मीर के सफर से जब वापस लौट रहे थे तो उनका गुजर इस कस्बे से हुआ। उन्होंने यहाँ क्याम भी किया और यहाँ के सरसब्ज बागात और शफाफ पानी के चश्मों से बहुत सैर हुए। उनके यहाँ क्याम करने की याद में एक मकबरा भी तमीर किया गया, जिसका नाम जलालुद्दीन अकबर की बेटी लाला रुख के नाम से मंसूब किया गया। लाला रुख मकबरा आज भी मौजूद है और इसमें एक कब्र भी है। कहते हैं ये कब्र हकीम अबू फातेह की है। अहमद शाह अब्दाली ने 17वीं ईस्वी में जब कश्मीर और शमाली हिंदुस्तान में मुगलिया सल्तनत का तख्ता उल्टा तो हसन अब्दाल तक का इलाका इसके कंट्रोल में आ गया। उसने ये इलाका अपने फौजी सरदार हसन नक्का अलमरूफ हसन अब्दाल के हवाले किया। हसन नक्का ने इस कस्बे को अपने नाम से मंसूब करते हुए इसका नाम हसन अब्दाल रख दिया। हिंदुस्तान के अव्वलीन अंग्रेज़ सयाहों में शुमार विलियम फिंच ने अपने हिंदुस्तान के सफ़र की रवादात सन 1808 से 1821 में हसन अब्दाल को एक खुशगवार कस्बा करार दिया है, जिसके करीब से एक नदी गुजरती है और जहाँ के शफाफ पानी के चश्मों में तैरती मछलियों की नाकों में सुनहरी नथों का जिक्र है। पानी इस कदर शफाफ था कि चश्मे की तह में पड़ा सिक्का भी साफ नजर आता था।
इस जगह की तारीफ में इसने छोटी सी पहाड़ी के दामन से निकलने वाले चश्मे के इंतहाई शफाफ और मीठे पानी का जिक्र भी अपनी किताब में किया है। 1857 की जंग आज़ादी में मुसलमानों को अंग्रेज़ों के हाथों पूरी तरह शिकस्त हुई, जिसके नतीजे में बरतानिया ने सारे हिंदुस्तान पर अपना कंट्रोल संभाल लिया और फिर हसन अब्दाल भी इसी जुमरे में अंग्रेज़ हुकूमत के रहमो करम पर चलता रहा। लेकिन फिर मुस्लिम लीग की अजीम जद्दोजहद और मुसलमानों की कुर्बानियों से मुल्क पाकिस्तान वजूद में आया तो शहर हसन अब्दाल भी मुल्क पाकिस्तान के हिस्से में आन पड़ा। शहर हसन अब्दाल को हम कदीम तरीन शहर तो नहीं कह सकते, अलबत्ता एक खूबसूरत तारीखी पस मंज़र होने के नाते यहाँ सालाना लाखों सियाहत की गर्ज और मजहबी रसूमात के लिए इस शहर का रुख करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आज की हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और क्या आप जानते हैं कि हसन अब्दाल से सिर्फ 15 किलोमीटर की मसाफत पर एक ऐसा शहर भी मौजूद है जहां दुनिया की पहली दरसगाह की बुनियाद रखी गई। उस वीडियो को देखने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें। और अगर आप रावलपिंडी की बायोग्राफी जानना चाहते हैं तो इस लिंक पर क्लिक करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ पर क्लिक करें। शुक्रिया।